So hi guys, welcome back to my channel. This side मानसी यादव with you once again. I hope everybody's doing really, really great. So आज है हम अमृतसर में and this is my अमृतसर layover. सो हाय गाइस, अब हम आ चुके हैं अमृतसर में. सो आज मेरा है अमृतसर लेओवर एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि एटलीस्ट मैं आपके साथ काफ़ी चीज़ें शेयर कर पाऊँगी आज. और काफ़ी टाइम के बाद एक्चुअली लेओवर मिल रहा है. और ये है जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल. सो काफ़ी अच्छा लगता है ना, स्टाइलिश लगता है ना. पर इनके समझ नहीं आता इनके कपड़े कैसे उड़ते रहते हैं यार हमेशा. नहीं चलो छोड़ो, हाँ भैया उड़ते रहते हैं, अच्छे लग रहे हैं, स्टाइलिश. ओके अगर मैं बात करूँ गाइस, अभी हम बस एक सेक्टर आज हमने ऑपरेट किया है, दिल्ली अमृतसर. और अब है हमारा लेओवर एंड आई एम सुपर एक्साइटेड. और ये जितने भी क्रू है हम लोग वेट कर रहे हैं चेक इन के लिए. हम होटल में चेक इन करेंगे और ये अलग अलग सेट ऑफ क्रू है, बाकी लोग कहीं और से है और हम लोग कहीं और से. सो अभी सब लोग वेट कर रहे हैं और फाइनली हमें मिल गई है रूम की. और अब हम जा रहे हैं अपने रूम में. सो ये है मेरे कलीग जिनको अपने रूम में वो लोग जा रहे हैं. आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस लेओवर यार, यू नो. सो अब हम आ चुके हैं अपने रूम में. इट्स मी, आई लव यू. So hi guys, welcome back to my channel. This side Mansi Yadav with you once again. I hope everybody's doing really, really great. So आज है हम अमृतसर में and this is my अमृतसर layover. Wow, just special चीज़ दिखाती हूँ आप लोग को, ठीक है. So special चीज़ ये है, आप देख रहे हो ये विंडो कितनी बड़ी और कितना प्यारा सीन लग रहा है यहाँ से. इट्स ब्यूटीफुल और सबसे प्यारा लग रहा है. और यही बोलूँगी जब हम इसको बंद कर रहे थे ना, आपको दिखाती हूँ. रुको देखो मैं भी खोल के दिखाती हूँ. यहाँ से देखो कितना प्यारा लग रहा है ये, सो ब्यूटीफुल यहाँ. और ये सारा है अमृतसर, कितना प्यारा लग रहा है. सो मैं वो कराती मैं हूँ रूम टू. दिस इज मी. सो मैं मिलती हूँ आपको शावर लेने के बाद बिकॉज आई कैन नॉट सिट एनीवेयर. मैं कहीं पर टच भी नहीं कर रही हूँ, सिट बैठ भी नहीं रही हूँ. सो मैं नहाती हूँ और शार लेने के बाद तब मैं आप लोगों से मिलती हूँ बिकॉज यू नो कोरोना वायरस अचानक. सो गाइस अब मैं खा रही हूँ अपना फाइनली लंच क्योंकि काफ़ी भूख लग रही है यार. सो अब मैं खा रही हूँ अपना लंच और इतने ब्यूटीफुल व्यू के साथ और क्या चाहिए यार. सो दिस इज़ वन थिंग विच आई रियली लव अबाउट कैबिन क्रू लाइफ. सो यस, यही वही लाइफ है जो आप लोग जीने वाले हो, जो मैं हूँ आपके इस सफ़र में साथ. और आई नो यू विल डू इट बिकॉज वी आर टुगेदर, राइट. एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ बिकमिंग अ क्रू दैट यू ट्रैवल अ लॉट, राइट. सो जैसे आप देख रहे हो मेरे पीछे, आपको होटल तो मिलते हैं डेफिनेटली, बट येस रही फूड की बात. ओके नाउ आई हैव ऑर्डर्ड फूड, राइट. मैंने खा लिया है खाना. सो गाइज फूड इज़ ऑल फ्री फॉर ऑल ऑफ यू. गाइज जैसे मैं आपको कह रही थी, जो फूड होता है वो टोटली आप लोग के लिए फ्री होता है. एंड रही बात फॉर इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, यहाँ लाइटिंग काफ़ी अच्छी आ रही, राइट. सो हाँ जी. सो अगर हम बात करें फूड दैट इज़ टोटली फ्री फॉर यू फॉर एनी डोमेस्टिक, अगर कोई भी लेओवर के लिए आ रहे हो. और इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने पड़ते. ये होटल और फूड आप लोग के लिए फ्री होता है एज अ कैबिन क्रू. और अगर हम बात करें इंटरनेशनल के साथ साथ, तो गाइस इंटरनेशनल में आपको कंपनी पे करती है आपको, और आप जितना पैसे खर्च करना चाहे अपने फूड पर, अपनी शॉपिंग पे, आप उतना कर सकते हो, ठीक है. सो आई होप दिस इज नॉट अ कंफ्यूजन फॉर ऑल ऑफ यू. एंड बाल से वॉश करें तो इसलिए खुचर बुचर से लग रहे मेरे बाल, उसको प्लीज इग्नोर कर देना. रूममेट है जो मेरी, जो क्रू थी, वो गई है बाहर थोड़ा एंजॉय करने के लिए. एज एन एंजॉय क्या, मार्केट गई है वो, बट मेरे को मार्केट नहीं जाना था बिकॉज दिस कोविड टाइम आई डोंट वांट टू टेक रिस्क. और आप लोग आई वॉन्टेड टू मेक अ लॉट ऑफ वीडियोज फॉर यू, सो आई थॉट टू स्टे हियर ओनली. और आप लोग के लिए मैं एटलीस्ट व्लॉग शूट कर पाऊँ. एंड येस, और अभी तो सेफ्टी यार, यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो मैंने सोचा जस्ट स्टे हियर और लेट्स मेक अ लॉट ऑफ वीडियोज फॉर यू या. सो अगर मैं बताऊँ अपने जो होटल होता है उसमें क्या क्या होता है, अपना रूम टूर कराती हूँ मैं आप सब लोग को, चलो. सो गाइज दिस इज अ वॉशरूम ओवर हियर एंड आप देख सकते हो. सो दिस इज द वॉशरूम. तो दिस इज अ वॉशरूम एरिया एंड अगर हम इस साइड पे जाए सो दिस इज लाइक अ कबर्ड ओवर हियर एंड सो ये तिजोरी. अगर आपको तिजोरी में कुछ सामान रखना है तो अपना तिजोरी का सामान यहाँ रख सकते हो, कोई चुराएगा नहीं. ठीक है. एंड ये सब है, लॉकर वगैरह दिया हुआ है. इधर अलमीरा है, इधर आप आयन कर सकते हो. आयन आपको यहाँ मिल जाएगी, प्रेस यहाँ पे मिल जाएगी. ये आपके टॉवल्स, यहाँ ड्रेस यूनिफॉर्म टांग सकते हो. ये एक्स्ट्रा कुशन इधर रखा हुआ है, शूज़ रखे हुए हैं. ओह माय गॉड, सॉरी. हाँ, इसको थोड़ा आराम से बंद करना. सो अगर हम इधर जाएँ तो इधर है छोटा सा फ्रिज. ओह नहीं, तो ये है फ्रिज. इधर कुछ ठंडा रखना चाहो तो रख सकते हो, खराब नहीं होगा. एंड दिस इज अ कॉफ़ी एरिया. कितने क्यूट लगते हैं छोटे छोटे पाउचेस. नहीं, किस किस को ये पसंद है मिल्क मेड जैसे सूखा खाना. मेरे भाई को बहुत पसंद है बट मुझे पसंद नहीं है. सो ये है सारे कॉफ़ी एरियाज कि आप एटलीस्ट कॉफ़ी बना सको अपनी सारी. एंड या तो दिस इज द कप एंड यू कैन मेक द कॉफ़ी ओवर हियर. सो ऑलमोस्ट कॉफ़ी एरिया ओवर हियर. सो गाइस सब न्यू इंटरेस्टिंग चीज़ ये आई है कि एटलीस्ट अगर फॉर एग्जांपल आप किसी भी होटल में चेक इन कर रहे हो सो दैट कि आप अगर फूड ऑर्डर करना है तो आपको डायरेक्टली वो कुछ देंगे नहीं. यू जस्ट हैव टू स्कैन ओवर हियर. स्कैन करने के बाद आपको डायरेक्टली आप मेन्यू खुल जाएगा और आप फूड ऑर्डर कर सकते हो. इज द न्यू वे फॉर ऑर्डरिंग द फूड. और हम जाए नेक्स्ट एरिया पे. सो ये एरिया है, ये एरिया है आप बैग वगैरह रख सकते हो अगर कुछ बैग लेके आए हो. तो मैंने तो अपने शूज़ रखे हुए हैं. सो ये एरिया मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. वाइट पोर्शन काफ़ी अच्छा लग रहा है, वाइट. एंड दिस इज़ टू थोड़ा मैसी हो चुका है बेड, क्योंकि पहले आए थे बहुत अच्छा बेड था बट अब काफ़ी मैसी हो गया. सो दिस इज़ अ एरिया जो दो क्रू को डोमेस्टिक एयरलाइंस में एक रूम मिलता है जो दो लोग को शेयर करना होता है. सो आप गैस करके बताओ कि मेरा कौन सा है, दिस वन और दिस वन. ठीक है. ओके, यू वॉन्ट टू टेल कि दिस इज़ अ लेफ्ट साइड एंड दिस इज़ द राइट साइड. टेल इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कौन सा लग रहा है कि मेरा बेड कौन सा है. ठीक है, लेफ्ट और राइट. ओके, नाउ दिस इज़ द एरिया कि एटलीस्ट आप जाके चार्जिंग पॉइंट लगा सकते हो में और लैम्प वगैरह दिया हुआ है और कॉल कर सकते हो 100 नंबर पे भी कॉल कर सकते हो पुलिस को. पुलिस बुला 100 नंबर पे भी कॉल कर सकते हो, पुलिस बुला सकते हो आप. ठीक है, तो दिस इज़ द एरिया. एंड खाना वाना आप ऑर्डर कर सकते हो. अगेन अ वेरी नाइस बेड. एंड हेयर वी गो विद टी वी. And here we go with the TV with a no signal device, no signal. So here with the TV with a no signal and आप TV देख सकते हो, चलता है but अभी चलाने का मन नहीं है इसका. So ये रखी आयन and ये है table area so that कि आप आराम से बैठ के खाओ पियो ऐश करो, खाओ पियो ऐश करो मित्रों. यही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो ही बोलता है. सो ये है हमारा कुछ मेन्यू सो दैट कि आप इजीली स्कैन कर पाओ. इधर धीरे रखा है, स्कैन करो और उसके बाद आप खाना और मतलब जो मील है आपको मेन्यू मिल जाएगा इजीली. सो एरिया है, ये एप्पल रखा है, जूस का रखा है. अभी मैंने खाना खाया था तो अभी खाने के प्लेस इग्नोर दिस, इसको रखती हूँ मैं बाहर. और ये है कुछ बैठने का एरिया, इसको इग्नोर कर देना भाई, बैठने का एरिया. क्योंकि जब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है गाइस, जैसे मैंने आपको दिखाया था. जाते हैं तो इतना गंदा से बन जाता है. देख सकते हो. और सबसे बेस्ट है यहाँ पे कर्टन्स लगाए हुए हैं इन्होंने. और ये सबसे बेस्ट है इस होटल की विंडो सो दैट कि आप पूरा यहाँ से खड़े खड़े यहाँ पूरे जगह से आप पूरा अमृतसर यहाँ से देख सकते हो यार. मतलब बेस्ट सीन. मतलब मुझे तो ऐसी विंडोज मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है. सो इट्स रियली नाइस यार. आई रियली लव दिस विंडो. आप नीचे से पूरा होटल का व्यू भी देख सकते हो. सो गाइस अब जो हमारी फ्लाइट है वो है, हम लोग ऑलमोस्ट लैंड करे थे. लोग पूछते कितने आज का आपको मिलता है लेओवर्स एंड ऑल. सो आई नो यू आर वेरी एक्साइटेड. सो गाइस लैंड किए थे 12:30 तक हम होटल पहुंच गए थे और अब हमें निकलना है टुमारो अर्ली मॉर्निंग. और वी हैव फ्लाइट और हम लोग फ्लाइट के निकलेंगे सुबह मुझे 3 बजे 3:50 पे 3:45 पे मैं ऑलमोस्ट उठूँगी. 4:30 बजे हमें मॉर्निंग के, इवनिंग में नहीं, हम निकलेंगे अपनी फ्लाइट के लिए. और ऑलमोस्ट हम पहुंचेंगे आफ्टरनून में 3 सेक्टर्स ऑपरेट करने के बाद. हम पहुंचेंगे ऑलमोस्ट कितने बजे, 1:30 बजे. 1:30 बजे की लैंडिंग है. ऑलमोस्ट 2 या 3 बजे तक मैं, ऑलमोस्ट 3 बजे तक मैं घर पहुंच जाऊँगी. एंड यस, और आई नो बिकॉज ये व्लॉग में मेरी मॉम नहीं है तो शी इज़ गोइंग टू मिस मी अ लॉट बिकॉज यू नो आई एम वेरी स्पेशल टू हर and she is special to me. So because my mom was like लेओवर के लिए जा रही है please मत जाओ. Because मैं घर से पहली बार लेओवर के लिए आई हूँ तो मेरे घर वालों को लग रहा होगा अभी कोई मेम्बर था घर में और अभी कहाँ चला गया है ना. So मैं भी घर वालों को मिस करती रहती हूँ but yeah this is all life and this is what we love of our life. This is a vlog which is going for all of you. और अभी बनाते हैं कुछ रेडी होती हूँ, कुछ रील्स बनाती हूँ आप लोग के लिए. और गाइस एक बात बताऊँ, मैं कपड़े लाना भूल गई. I mean, सिर्फ मैं नाइट सूट ऐसे लेके आई थी, सिर्फ टी शर्ट लेके आई थी और सिर्फ सोने के लिए. I mean, ट्राउजर and t-shirt so that I can sleep. मैं एक्स्ट्रा कुछ क्लोथ लेके नहीं आई हूँ, but yeah, I'll just get ready and make lot of reels for you and then I'll see it. पूरे दिन आप मेरे साथ रहने वाले हो ही है ना पूरे. So हम हैं चंडीगढ़ में नहीं, सॉरी. हम हैं अमृतसर में. तो गाइज हम हैं अमृतसर में और गाइज मैं नाटक कर रही हूँ इधर. तो मुझे लगता है लगा के लोग सोच रहे होंगे क्या कर रही है ये लड़की, व्हाट शी इज ट्राइंग टू डू. एंड आई लव यू सो मच एंड दिस इज अ लाइफ ऑफ अ कैबिन क्रू. सो दिस इज अ लाइफ ऑफ अ कैबिन क्रू एंड खाना वाजा करना है, खाना खाओ, पीना है, रेस्ट करो, जो करना है करो. फ्लाइट पे जाना इम्पोर्टेंट है. ओके क्या बताओ, बहुत लंबी कहानी है. सो मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी आज, तो इसलिए मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाई आप लोग के लिए. बट यस कोई बात नहीं, क्या हो गया, मैं आपको छोड़ थोड़ी सकती हूँ ना, आप मुझे छोड़ सकते हो, मैं आपको छोड़ सकती हूँ. सो मैं तो बनाती है व्लॉग लेके. मैंने बोला चलो भाई शुरू करते हैं व्लॉग. स्टार्टिंग तो बना नहीं पाए, क्या हो गया, फिर कुछ नहीं होता. आप हो मैं हूँ और चाहिए क्या. और मेरे रूम में काफ़ी शांति, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए मैं तबाही मचा रही हूँ आप लोग के साथ बोल के चला के. सो अब आई हैव अ नेक्स्ट प्लान बिकॉज दिस लोकेशन इज जस्ट सो ब्यूटीफुल. आई विल क्लिक सम ऑफ द पिक्चर्स एंड अब मैं आपको लिखाऊंगी. अगर आपको देखनी है तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर डेफिनेटली देख सकते हैं. और मैं कुछ बनाने वाली रील्स आप लोगों के लिए. सो अगर आपको मेरी रील्स पसंद है, अगर आप देखना चाहते हो ना, प्यार तो करते हो तो देख लेना जाके, ठीक है. सो मेरी इंस्टाग्राम आई डी है मानसी MANSI Y 2001 जैसे को लिखी आ रही है इंस्टाग्राम आई डी मेरी. सो आप ये जाके जरूर देख सकते हो. मेरी रील्स देख के बताओ कैसी लग रही हो मैं, ठीक है. कैसा मतलब रील्स आपको कैसी लगती है मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में. सो फटाफट से धूप चली जाएगी, मज़ा नहीं आएगा, लाइटिंग खराब हो जाएगी, तो मैं करती हूँ फटाफट से. उसके बाद आप लोग को मिलते हैं. सो गाइज मैं हो चुकी हूँ रेडी. आप सोचो कि मैं क्या पहन रही हूँ. सो गाइज मैंने पहना है बाथरोब. दिस इज अ इंटरेस्टिंग आइडिया ऑफ माई माइंड. सो मैंने डिसाइड किया है बिकॉज आई डोंट हैव क्लोथ्स, बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि बस आके टाइम नहीं मिलेगा, बस थक जाऊंगी, बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगी. सो आई एम ऑल रेडी और ज़्यादा कुछ नहीं किया है, जस्ट लिपस्टिक एंड लाइनर एंड फटाक से बनाती हूँ मैं कुछ रील्स. एंड आई होप आप जाके देखो इंस्टाग्राम पे रील्स की आपको कैसी लग रही है रील्स, बिकॉज आई डोंट हैव मच क्लोथ, बिकॉज मैं क्लोथ्स के बिना ही आ गई. बस मैं कुछ टी शर्ट्स में बनाने वाली हूँ और कुछ मैं बाथरोब में बनाने वाली हूँ, अगर आपको अच्छी लगी. सो दिस इज अ बाथरोब एंड पूरा लुक आप जाके इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो कि रील्स आपको कैसी लग रही है. एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको रील्स कैसी लगी, ठीक है. सो दिस इज अ न्यू ट्रिक ऑफ माई, बिकॉज मैं भी बस नहा के ही आई थी तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं इसको रखा क्यों है, सो इसी को मैं यूज़ कर लेती हूँ, इसको क्यों नहीं यूज़ करूँ. सो या सो डू लेट मी नो कि आपको कैसी लगी पिक्चर्स एंड डू लेट मी नो कि आपको कैसे लगा मेरा रील्स. सो सी यू, फिर से रील्स बनाती हूँ, बाय. है ना कितनी सारी पुलिस आई हुई है, सिंगर आया हुआ, तो बाकियों की गाड़ी क्यों चेक कर रहे हैं. और ब्लैक कमांडो भी आया हुआ, देखना है ना. ब्लैक कमांडो तभी आते हैं जब कोई बड़ा बंदा आया होता है, हाँ. ऐसे नहीं आते ब्लैक कमांडोस. वो भी तो इधर भी चेकिंग चल रही है, उधर भी चेकिंग चल रही है. वो देखो बड़ी गाड़ी को तो बीच रोड पे रोक के देख रहे क्या है. या तो इनके पास कोई न्यूज़ आई होगी, हां. बट ब्लैक कमांडोस ऐसे नहीं आते यार, है ना. वही कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हो रहा है. क्या बताओ हमारे होटल में कोई आया हो, प्लीज हमारे होटल में आ जाओ. वो देखो न्यूज़ वाला भाग के गया उधर, हाँ. मैंने तुम्हें बोला ना कुछ हो रहा है. वो देखो एक और गाड़ी आ रही, देखते रोकते नहीं रुकते. वो गाड़ी तो वहीं रुक गई डर के मारे. अब एक और उधर ब्लैक कमांडो खड़े, देख इतना गंदा शीशा तो दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी. क्या हो रहा है हमें तो बता दो कम से कम. बैठे थे इस गाड़ी में, डिग्गी खुली, पुलिस वाला गया डिग्गी के अंदर चेक करने के लिए. ओ भाई साहब देखो, ओ देखो न्यूज वाला फोटो खींच रहे, लगता है कुछ इंटरेस्टिंग निकलेगा. अरे कुछ तो निकला नहीं. इतने सारे पुलिस वाले हैं, इतने सारे कमांडो. क्या हो रहा है बता दो, अगर कोई इंटरेस्टिंग खबर मिले तो हमें भी बताना क्या हो रहा है. ये डोमिनोज वाले को पता होगा क्या हो रहा है. बंधु के इस व्यवहार को अपना अपमान समझा और तुरंत वहां से चले गए। इस पर दूसरे देवताओं ने देवराज इंद्र से कहा कि आपको इस तरह। सो गाइज़, अब हम खाने जा रहे हैं अपना डिनर, बिकॉज अब सोना भी है जल्दी, बिकॉज जल्दी उठना भी है। सो मैंने ऑर्डर कर लिया है थोड़ा दाल, थोड़ा राइस, थोड़ी सी सब्जी, एंड यस दिस इज़ माई फूड विच इज़ गोइंग टू ईट, एंड सम ऑफ द नान। और अब देखते हैं इसके साथ टी वी, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, हम छोड़ नहीं सकते टी वी को। देन आई एम गोइंग टू स्लीप एंड सी ऑल ऑफ योर कॉमेंट्स रीड करूँगी, उसके बाद रिप्लाई करके फिर मैं सोऊंगी। सो सी यू अर्ली मॉर्निंग। सो गाइज़, अब अर्ली मॉर्निंग हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं फ्लाइट के लिए, बिकॉज अब हम हो चुके हैं रेडी एंड या वी आर गोइंग फॉर द फ्लाइट। एंड अब हम कर रहे हैं, देखो सब सारी दुनिया सो रही है, हम सो के उठ के जा रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं हम लोग, एंड क्या ही कर सकते, जाना था अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट में। बट आई एम हैप्पी यू आर विद मी गाइज, सो हैप्पी। और ये हमेशा यहीं पर खड़े रहते हैं भाई। सो गाइज, हम फाइनली लैंड कर चुके हैं दिल्ली में, एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल एयरपोर्ट। कितना प्यारा लग रहा है यार। एंड क्या एयरक्राफ्ट कितने दूर से, कितने छोटे छोटे से लगते हैं ना, बट कितने ह्यूज एयरक्राफ्ट होते हैं। नहीं सो हम लेते हैं कैब और चलते हैं घर। सो हाय गाइस, मैं फाइनली कैब में बैठ चुकी हूँ और आई होप ये व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अदर लेओ व्लॉग में बाल खराब हो गए। सो लेओ व्लॉग आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर न्यू वीडियोस, एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। सी यू, बाय, टेक केयर।